तो दोस्तों एक बार फिर से तैयार हो जाइए जानने के लिए कुछ अमेजिंग अपकमिंग हिंदी वेब सीरीज और वेब मूवीज के बारे में, जिन्हें रिलीज की जा रही है 14 अक्टूबर 2022 में। और ये सभी वेब सीरीज और मूवीज एक्चुअल में सिर्फ OTT पर ही अवेलेबल हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग वेब सीरीज और वेब मूवीज हैं आज के हमारे इस काउंटडाउन में। नंबर 10, बोमकेस हत्या मंच। वेब सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इस सीरीज में आप देख पाएंगे फिर से बोमकेस बागची, जो कि एक नए मिस्टीरियस केस को फिर से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और लास्ट तक वो इस केस को किस तरह सॉल्व करते हैं यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज रिलीज की जा रही है 14 अक्टूबर 2022 में, वो भी होईचोई पर। नंबर 9, दोबारा। मूवी बेस्ड है हॉरर एंड फैंटेसी एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो मूवी की कॉन्सेप्ट शुरू होती है एक्चुअल में फ्यूचर से, लेकिन फ्यूचर से वो अचानक से ही पास्ट में पहुंच जाते हैं और पास्ट में बहुत सारी गलतियों को वो फिर से ठीक करना चाहते हैं, और लास्ट तक वो सभी चीजों को वो किस तरह ठीक करते हैं यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे मूवी में। मूवी रिलीज की जा रही है 15 अक्टूबर 2022 में, वो भी नेटफ्लिक्स पर। नंबर 8, मिसमैच्ड सीजन 2। सीरीज बेस्ड है रोमांस एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इस सीरीज में आप देख पाएंगे कॉलेज टीनेज लव स्टोरी, और ये टीनेज कॉलेज लव स्टोरी कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहती है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। लेकिन ये सीरीज दोस्तों स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है जो कि टीनेज कॉमेडी ड्रामा देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। सीरीज रिलीज की जा रही है 14 अक्टूबर 2022 में, वो भी नेटफ्लिक्स पर। नंबर 7, गुड बैड गर्ल। सीरीज बेस्ड है कॉमेडी एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इस सीरीज में आप देख पाएंगे कैसी लड़की को, जिसका मानना यह रहता है कि झूठ के सहारे कोई भी सक्सेस पाई जा सकती है, सीरीज में देखने लायक यह है दोस्तों कि असल में उसकी कॉन्सेप्ट कितनी ज्यादा सही है। सीरीज रिलीज की जा रही है 14 अक्टूबर 2022 में, वो भी सोनी लिव पर। नंबर 6, द वॉचर। मूवी बेस्ड है थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरी की अगर हम बात करें तो मूवी की कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरी शुरू होती है कैसे फैमिली से, जिसे ऐसा लगता है कि उसके नेवर्स उस पर नजर रख रहे होते हैं, लेकिन लास्ट तक या सच में उनके नेवर्स उन पर नजर रख रहे होते हैं या फिर उनका सिर्फ ये दिमागी फितूर है, यही सारी चीज दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे मूवी में। मूवी एक्चुअल में एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसे रिलीज की जा रही है 13 अक्टूबर 2022 में, वो भी नेटफ्लिक्स पर। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज जा रही है। नंबर 5, होली फैमिली। सीरीज बेस्ड है क्राइम मिस्ट्री एंड फैंटेसी एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इस सीरीज में आप देख पाएंगे कुछ ऐसे फैमिली के लाइफ को जो कि एक्चुअल में अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं, लेकिन वो किसी भी तरह से आजादी भी पाना चाहते हैं, और लास्ट तक उनकी लाइफ कैसी होती है यही सारी चीजें दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की जा रही है। इसे रिलीज की जा रही है 14 अक्टूबर 2022 में, वो भी नेटफ्लिक्स पर। नंबर 9, रोसालाइन। मूवी बेस्ड है फैंटेसी एंड कॉमेडी एक्टिविटी के ऊपर। मूवी के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो मूवी की कॉन्सेप्ट शुरू होती है एक प्रिंसेस से, जो कि एक स्ट्रीट बॉय से प्यार कर बैठती है, और लास्ट तक इनकी लव स्टोरी कितनी ज्यादा सक्सेस होती है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए। मूवी रिलीज की जा रही है 14 अक्टूबर 2022 में, वो भी डिज्नी हॉटस्टार पर। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की जा रही है। नंबर 3, द प्लेलिस्ट। सीरीज बेस्ड है म्यूजिकल ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इस सीरीज में आप देख पाएंगे एक म्यूजिक के पीछे कितनी ज्यादा सच्चाई रहती है, इवन एक म्यूजिक के पीछे कितने सारे हिडन सीक्रेट्स रहते हैं, ये सारी की सारी चीजें एक्चुअल में इस वेब सीरीज में रिवील करने की कोशिश की जाएगी। सीरीज रिलीज की जा रही है 13 अक्टूबर 2022 में, वो भी नेटफ्लिक्स पर। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की जा रही है। नंबर 2, द कर्स ऑफ ब्रिज हॉलो। मूवी बेस्ड है हॉरर एंड कॉमेडी एक्टिविटी के ऊपर। मूवी के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो मूवी के कॉन्सेप्ट शुरू होती है हॉलोविन से, जहां पर अचानक से ही सारे गोस्ट के पुतले जिंदा हो जाते हैं और लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। इसी बीच एक फैमिली जो कि अपने आप को उन गोस्ट के हाथों से बचाना चाहती है, और लास्ट तक वो अपनी फैमिली को किस तरह बचाती है यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब मूवी में। वेब मूवी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की जा रही है। इसे रिलीज की जा रही है 14 अक्टूबर 2022 में, वो भी नेटफ्लिक्स पर। और लास्ट और नंबर 1 पर हम बात करेंगे सेंट्रम। वेब सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज की कॉन्सेप्ट शुरू होती है एक ऐसे प्रिजनर से जो कि अपने लाइफ को फिर से स्टार्ट करना चाहता है, यानी कि ठीक तरह से स्टार्ट करना चाहता है, और वो अपने लाइफ को फिर से ठीक तरह से स्टार्ट करने के लिए पहुंच जाता है मुंबई, और लास्ट तक उसकी लाइफ कहां उसे लेकर जाती है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज की कॉन्सेप्ट एक्चुअल में एक नॉवल से ली गई है। सीरीज फिलहाल इंग्लिश में ही रिलीज की जा रही है।
है। इसकी फिलहाल अभी तक हिंदी डबिंग नहीं की गई है। सीरीज रिलीज की जा रही है 14th October 2022 में, वो भी Apple TV Plus पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन्हें भी वेब सीरीज रिव्यू या फिर मूवी रिव्यू में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, वो प्लीज़ मेरे नए चैनल बापू निम जी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल में जाने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।